हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। एंड आज बात करेंगे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो जॉब है उसकी वैकेंसी कहां से पता करें। सबसे ज़्यादा कमेंट इसके लिए भी मेरे पास आ रहे हैं जो है कि वैकेंसी सर ढूंढने में मेरी हेल्प करा दीजिए, सर मैं फार्मा में आना चाहता हूं, मेरा इंटरेस्ट है, मुझे जॉब बता दीजिए। हाँ, इससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट मेरे पास में आए। देखिए, आज के टाइम में वैकेंसी सर्च करना बहुत ईजी है, मतलब बिल्कुल हलवा है, समझ लीजिए। हमारे टाइम में बहुत टफ रहता था, इस समय इतना ना एंड्रॉयड वगैरह था नहीं, इतनी बहुत प्रॉब्लम होती थी वैकेंसी, मतलब कोई फार्मा में प्रोफेशन में है तभी पता चल पाता था, अदरवाइज क्या है वैकेंसी पता ही नहीं चलती थी। आज के टाइम में फ्रेंड वैकेंसी पता करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं सारे स्टेप आपको बताता हूँ। वैकेंसी पता करने के लिए देखिए, सबसे जो इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप ऑनलाइन जाइए, बहुत सारी वेबसाइट हैं जिसके थ्रू आपको वैकेंसी मिल जाएगी। वहाँ उनके व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, ग्रुप का नंबर दिया होता है, आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर लिंक दिया होता है उस वेबसाइट पे जाइए, उस लिंक को क्लिक करिए, अपना जो भी स्टेट वगैरह है वहाँ पे सेलेक्ट करिए, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ सेलेक्ट करिए और आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए। जुड़ने के बाद आपको अपडेट्स कंटिन्यूअस आते रहेंगे, ठीक है। अब कौन कौन सी वेबसाइट है इट में भी आपको ये भी नहीं मालूम होगा, ठीक है। तो वो सारी वेबसाइट जितना मेरे नॉलेज में है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो सारी वेबसाइट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उन सारी वेबसाइट पर जाके आप वैकेंसी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। एक वैकेंसी है, एक वेबसाइट में आपको बताता हूँ, फार्मा ट्री करके है, जो कि काफ़ी पॉपुलर है फार्मा में। वहाँ ढेर सारी वैकेंसी एक ही पेज पर होते हैं, अपने एरिया के हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एंड अब दूसरा तरीका बात करते हैं। चलिए, ये तो जो बता दिया ये अपने मोबाइल पे आप कर सकते हैं इजी वे। दूसरा, अगर थोड़ा सा आप कष्ट कर सकते हैं, भाई जॉब में आना तो यार सर्च तो करना पड़ेगा, ढूंढना तो पड़ेगा भाई वैकेंसी, ठीक। दूसरा क्या कर सकते हैं, आप चले जाइए अपने एरिया के होलसेल मार्केट, जहाँ पे होलसेल मार्केट है वहाँ जाएंगे तो वैकेंसी वहाँ पे चिपकाया हुआ होता है, लगा हुआ होता है, तो वहाँ देख के आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की MR की वैकेंसी पता चल जाएगी। वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, वैकेंसी फ्रेशर के लिए है कि एक्सपीरियंस के लिए है वो भी लिखा होता है, ठीक। तीसरा तरीका है कि वहीं आप रहिए, वहीं जो होलसेलर डीलर हैं उनसे कांटेक्ट करिए कि भैया कोई वैकेंसी हो, सर कोई वैकेंसी है नॉलेज में आपको, या किसी MR का नंबर दे दीजिए, तो उनके थ्रू भी पता कर सकते हैं। फोर्थ तरीका यह है कि आप किसी MR के कांटेक्ट में बनिए, ठीक है। किसी कोई MR को आप नहीं जानते हैं तो MR से कांटेक्ट बनाइए। अब MR से कांटेक्ट कैसे बनेगा, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि हम MR को कहाँ ढूंढेंगे, हम तो फ्रेशर आए हुए हैं, हमें कौन सा सपोर्ट करेगा, हम कौन से MR को, हम किसी MR को नहीं जानते। तो उसका तरीका क्या है, आपके एरिया का जो कोई अच्छा डॉक्टर हो उसके यहाँ जाके दो चार दिन बैठिए, सुबह से लेकर शाम तक, मतलब दो तीन घंटे बैठेंगे, या उससे जो अटेंडेंट होगा उससे पूछिए कि MRO का कॉल टाइमिंग क्या है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कॉल टाइम क्या है, MR जो है डॉक्टर साहब से कब मिलने आते हैं, तो बताया कि भाई 2 से 3 के बीच में डॉक्टर का कॉल टाइमिंग है, तो आप वहाँ प्रेजेंट रहिए, तो उस समय वहाँ 2, 4, 5, 7 MR, 10 MR जिस हिसाब से डॉक्टर रहेगा उसके हिसाब से वहाँ MR आएंगे, आप वहाँ उनसे मिलिए फिर कि मैं अभी ग्रेजुएट पास आउट हूँ, मतलब अभी जस्ट मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो सर मैं इसी प्रोफेशन में आपके प्रोफेशन में आना चाहता हूँ, मुझे आपकी हेल्प जरूरत है, कोई वैकेंसी बता दीजिए कहाँ पे खाली है, तो वो आपकी हेल्प कर देंगे, आपको वैकेंसी बता देंगे, साथ ही साथ उनका कॉन्टैक्ट डिटेल ले लीजिए, आप उनसे कॉन्टैक्ट में बने रहिए, ठीक। उसी टाइम उन्हीं से पूछ लीजिए कि सर आपका यूनियन ऑफिस कहाँ पर है, ठीक। यूनियन ऑफिस हर एक जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं लगभग जहाँ भी हेडक्वार्टर होते हैं फार्मा कंपनियों के, वहाँ पे एक यूनियन ऑफिस होता है, जो सारे MR वहाँ पे इकट्ठा होते हैं डेली भी, और मीटिंग वगैरह भी होती रहती है उन लोगों की, तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का एक यूनियन होता है जहाँ पे डेली कुछ ना कुछ MR 5, 7, 10 MR एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम पे वहाँ इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, ज़्यादातर उसमें सीनियर लोग होते हैं, तो आप उस पर्टिकुलर ऑफिस का एड्रेस लीजिए, वहाँ पहुँच जाइए, ठीक है। वहाँ जाएंगे तो आपको ढेर सारे लोग मिल जाएंगे, ढेर सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मिल जाएंगे जो आपको बहुत सारी वैकेंसी बता देंगे, तो इस तरह आपको वैकेंसी पता चल जाएगा, ठीक है साहब। और वहाँ से आप किसी आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मुझे यार किसी ग्रुप में जुड़वा दो जिससे मुझे वैकेंसी की अपडेट आती रहेगी, तो आप वहाँ के ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जो लोकल बहुत सारे आजकल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बहुत सारे ग्रुप हैं, जैसा कि आप देखते हैं व्हाट्सअप का क्रेज है, बहुत सारे ग्रुप सभी के बने होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जो जिसमें रहता है जिस संगत में उस हिसाब से ग्रुप बन जाते हैं, तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के भी MR के भी ग्रुप बने हुए, आप उसमें जुड़ जाइए, आपको वैकेंसी के अपडेट आते रहेंगे, ठीक है साहब। तो ये थे वैकेंसी पता करने का तरीका, जैसा कि आप लोगों को कमेंट आया, तो आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा इजी है, तो वैकेंसी पता करना टफ टास्क नहीं है जैसा कि आप सोचते हैं, ठीक। तो इन तरीकों को आप फॉलो करिए और 101% आपको वैकेंसी मिल जाएगी। अब बात रही सिलेक्शन की, तो ज़्यादा इस वीडियो में बात नहीं करूँगा, थोड़ा बता देता हूँ।
ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे पहली बार इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे भाई अब आपको तुरंत जॉब मिल जाएगी। आप इंटरव्यू देने जाने से पहले इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से करके जाइए। क्या पढ़ के जाना है नहीं पता है तो नीचे वीडियो को स्क्रॉल करिए, हमारे वीडियो में एक दो वीडियो मैंने बनाया है उसके ऊपर क्या पढ़ के जाना होता है, तो वहाँ पढ़ के जाइए और चैनल पर बने रहिए। तो अभी इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उन क्वेश्चन को लेकर एक मैं 100 क्वेश्चन का एक वीडियो एक सीरीज लेके आने वाला हूँ, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, उस सबका क्वेश्चन और आंसर दोनों ही बताऊंगा। तो वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट नहीं किया तो वो भी हिट कर लीजिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और उस वीडियो को आप देख लें। ठीक है, तो आपका जो प्रिपरेशन होगा उसमें आपको काफ़ी इजीनेस आ जाएगा, काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए चीज़ों को समझना। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में और देखते रहिए हमारे वीडियोज को, इस चैनल पर बने रहिए। ठीक है साहब, और कोई आपकी प्रॉब्लम हो, कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट कर दीजिए। कमेंट करने के बाद जो मेरा कमेंट बॉक्स का वीडियो आता है स्पेशली, जिसमें मैं सारे कमेंट की रिप्लाई करता हूँ लगभग, उसमें आपका आंसर डिटेल में मिल जाएगा। ठीक, या कोई और बड़ी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स का वीडियो देखा करिए। ठीक है, तो ये थी छोटी सी जानकारी वैकेंसी कैसे सर्च करेंगे उसके लिए। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।